हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सनसाइन स्टडी सो एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है फॉर 2022 एग्ज़ाम्स एंड साथ ही इसमें 2021 के भी एग्ज़ाम्स हैं सो जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी डेट उसमें फिक्स्ड है तो अभी देखने का ये है कि एन आर कैसे इंप्लीमेंट होता है क्योंकि एस ने तो अपने हिसाब से कैलेंडर आउट कर दिया बट ध्यान रहे ये टेंटेटिव कैलेंडर है कभी भी मॉडिफाई हो सकता है राइट सो गवर्नमेंट के कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले एसएससी को इसलिए उसने अपना कैलेंडर आउट कर दिया अभी आईबीपीएस का हमें वेट करना है आईबीपीएस कब अपना कैलेंडर रिलीज करेगा मोस्ट प्रोबेबली जनवरी फरवरी तक कैलेंडर रिलीज हो जाता है इससे ज्यादा डिले नहीं होता है आईबीपीएस का कैलेंडर सो so, हम आई का भी वेट कर लेते हैं जनवरी फरवरी में आई का भी कैलेंडर आउट हो जाएगा तो अभी आपका फिफ्टी फिफ्टी चांसेस है अभी भी एन आर एग्ज़ाम हो सकता है क्योंकि एस का जो कैलेंडर है कभी इम्प्लीमेंट होता है कभी नहीं होता है उसके उसके आधे से ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स हैं वो उसकी डेट पे हो ही नहीं पाते हैं राइट right? सो so, कभी भी कैलेंडर मॉडिफाई हो सकता है एंड बैंकिंग के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं आई बी कैलेंडर का उसके बाद हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि एन आर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा अब जो लोग ये मान के बैठे हैं कि एस का कैलेंडर आउट हो गया तो उसका मतलब ये है अनार सी एग्ज़ाम नहीं होगा तो कभी भी मॉडिफाई हो सकता है कैलेंडर ये चीज़ ध्यान रखिएगा सो so, मुझे भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम लग रही है नेक्स्ट ईयर आपका सी टी हो पाएगा क्योंकि अभी सिलेबस नहीं बताया है एग्ज़ाम पैटर्न नहीं बताया है कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया है टेंथ ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन लेवल पे कैसे एग्ज़ाम्स होंगे तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं टी एग्ज़ाम को लेके और जब उनके इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे तो थोड़ी क्लेरिफिकेशन इसमें हो जाएगी बाकी हम देखते हैं सी एग्ज़ाम को लेके क्या क्या अपडेट्स आती हैं आगे चल के और जो आपका आई है वो सी में इंक्लूड होगा या नहीं होगा वो आपका जब आई का कैलेंडर आएगा तब आपको पता चल जाएगा राइट सो मेरा सजेशन यही रहेगा जो अभी आपके पास सिलेबस है एग्ज़ाम पैटर्न है आप उसी को फॉलो करो चाहे आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो न्यू हो फ्रेशर हो या फिर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो राइट सीटी एग्ज़ाम का आपको नेक्स्ट टू मंथ के बाद पता चल जाएगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं होगा बट अभी जो न्यू फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो वैसे ही प्रिपेयर करो जैसे कर रहे हो क्योंकि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश आपका कहीं नहीं जाने वाला वो आपका सिलेबस में पहले था और सी आने के बाद भी होगा ठीक है तो अभी मैं बैंकिंग के लिए रीजनिंग और क्वांट की क्लासेस ले रही हूँ बेसिक टू एडवांस सीरीज मेरे चैनल पे ऑलरेडी चल रही है तो आप लोग उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड साथ ही साथ आप लोग को सी को लेके भी अपडेट्स मिलती रहेंगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग